नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लाया हूँ ऐसे छोटे छोटे वाक्य जिसको हम अपनी रोजाना लाइफ में बोलते ही हैं। दोस्तों यदि हमें इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश अच्छे से सीखना है और अच्छे से बोलना है तो हमें इन छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए देर नहीं करते, देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं। तो वाक्य है, वह सबका मजाक उड़ाता है। दोस्तों प्राय हम बोलते हैं ना, जैसे कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो हम उसको बोलते हैं वह सबका मजाक उड़ाता है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे होगा, ही मेक्स फन ऑफ एवरीबडी। मतलब वह सबका मजाक उड़ाता है। वह अक्सर गिटार बजाता है। कभी हम किसी के बारे में कहते हैं वह अक्सर गिटार बजाता है, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो चलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ही ऑफन प्लेस द गिटार। मतलब वह अक्सर गिटार बजाता है। उसने मुझे लिखना सिखाया। दोस्तों हम किसी के बारे में बता रहे हैं, जैसे मुझे लिखना नहीं आता और मुझे लिखना उसी ने सिखाया, तो मैं किसी को बता रहा हूँ कि उसने मुझे लिखना सिखाया। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, ही टॉट मी हाउ टू राइट। मतलब उसने मुझे लिखना सिखाया। वह किताब को खरीदना चाहता था। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे होगा, He wanted to buy the book। मतलब वह किताब को खरीदना चाहता था। वह आसमान की ओर देख रहा था। हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा था, तो वो आसमान की ओर देख रहा था। अब इसको हमें बताना है कि वह आसमान की ओर देख रहा था, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, He was looking at the sky। मतलब वह आसमान की ओर देख रहा था। मैंने कल एक किताब खरीदा। अब दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, I bought a book yesterday। मतलब मैंने कल एक किताब खरीदा। मुझे थोड़ा आराम करने का मन है। दोस्तों बहुत ज़्यादा काम करने के बाद शरीर एकदम थक गया, तो हम कहते हैं मुझे थोड़ा आराम करने का मन है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, I feel like taking a rest। मतलब मुझे थोड़ा आराम करने का मन है। मेरे पास फेसबुक खाता है। दोस्तों हम किसी को कहते हैं ना, मेरा फेसबुक में अकाउंट है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, I have a Facebook account। मतलब मेरे पास फेसबुक खाता है। मेरे पास तुमसे मिलने का समय नहीं है। दोस्तों कभी कभी हम बहुत व्यस्त रहते हैं और हम किसी को कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तुमसे नहीं मिल सकता, तो उसको कहते हैं जैसे मेरे पास तुमसे मिलने का समय नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, I have no time to see you। मतलब मेरे पास तुमसे मिलने का समय नहीं है। मुझे उसकी मुस्कान अच्छी लगती है। दोस्तों हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि मुझे उसकी मुस्कान अच्छी लगती है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे, I like the way she smiles। मतलब मुझे उसकी मुस्कान अच्छी लगती है। मैं आमतौर पर 8 बजे उठा करता हूँ। दोस्तों अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं अक्सर 8 बजे उठता हूँ या फिर 8 बजे उठा करता हूँ। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, I usually get up at 8। मतलब मैं आमतौर पर 8 बजे उठा करता हूँ। मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों किसी कारणवश हम बैंक गए हैं और हम वहाँ के मैनेजर से मिलना चाहते हैं। मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, I want to meet the manager। मतलब मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। दोस्तों कोई अच्छा लगता है, हम उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, I want to travel with you। मतलब मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ या फिर मैं तुम्हारे साथ यात्रा करना चाहता हूँ। मैं तुमसे नाराज हूँ। कभी हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, I am angry with you। मतलब मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मुझे इतिहास में दिलचस्पी है।
दोस्तों हम स्कूल में हैं और सब अपनी अपनी चॉइस बता रहे हैं कि मुझे गणित में दिलचस्पी है, मुझे अंग्रेजी में दिलचस्पी है, मुझे संस्कृत में दिलचस्पी है। तो जैसे मैं बोलूं मुझे इतिहास में दिलचस्पी है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री मतलब मुझे इतिहास में दिलचस्पी है। मैं छाया में खड़ा हूँ। दोस्तों हम कहीं गए हैं और बाहर बहुत धूप है तो घर वालों को चिंता रहती है कि अरे वो कहाँ गया, तो पूछते हैं जैसे कहाँ पर हो और आप कहीं छाया पर खड़े हैं, तो आप जैसे बोलेंगे मैं छाया में खड़ा हूँ तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम स्टैंडिंग इन द शेड मतलब मैं छाया पर खड़ा हूँ। मैं अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलो दोस्तों इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। I am waiting for my mother। दोस्तों कभी कभी कोई समस्या का हल नहीं निकलता तो हम उसको इंग्लिश में कहते हैं It is a difficult problem मतलब यह समस्या बहुत कठिन है। 5 से 10 को जोड़ना बहुत आसान है। अब दोस्तों चलो इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। It is easy to add 5 to 10 मतलब 5 से 10 को जोड़ना बहुत आसान है। मेरा भाई टोक्यो में रहता है। दोस्तों कोई मुझसे मेरे भाई के बारे में पूछ रहा है और मेरा भाई रहता है टोक्यो में, तो उसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? My brother lives in Tokyo मतलब मेरा भाई टोक्यो में रहता है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए।